आखिर कब होगा इन समस्याओं का समाधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएनएन सिलीगुड़ी और आपके साथ मैं सुप्रिया। हम लगातार ही आप सभी को जो जहाँ जहाँ क्षति हुई है वहाँ वहाँ की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आज हम फिर से आप सभी को लेकर आए हैं रेगुलेटेड मार्केट, जो कि उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी यहाँ से कई सारे देशों हमारे जो जिले हैं, बहुत सारे ज़िले में भी जाते हैं, यहाँ से ही सामान जाते हैं। लेकिन उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा रेगुलेटेड मार्केट का हालत ये रहा। ये आज हम आप सभी को लेकर आए हैं मच्छी मंडी के साथ। हम 2 महीने पहले भी आए थे यहाँ पे और यहाँ की जो स्थिति हमने आपको दिखाई वो बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही दुखजनक थी, क्योंकि यहाँ पे जो श्रमिक काम करते हैं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो लोग इच्छा से नहीं बल्कि वो लोग कर से काम करते हैं, मजबूरी से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके परिवार वालों को पेट पालना पड़ता है। जहाँ से हम लोग सब्जी माछ मछली लेके जाते हैं सिलीगुड़ी में, वहीं पे आप ये देखिए, क्या ये हालत की वजह से हमारे जो स्वास्थ्य में है, क्या स्वास्थ्य में हानिकारक नहीं होगी? ऐसी स्थिति है सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट की, जिन्हें उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा मार्केट कहा जाता है। आप सोचिए, जो समस्या है 2 महीने पहले भी हमने आपको दिखाई थी और यहाँ के जो लोग हैं वो भी बार बार प्रशासन से यही अनुरोध कर रहे थे कि यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ की जो स्थिति परिस्थिति है उनको लेकर कुछ समाधान किया जाए। लेकिन 2 महीने पहले जो हालत था वही अभी भी हालत है। यानी कि ये तो सिर्फ सब्जी मंडी का हालत है, ये तो सिर्फ मच्छी मंडी का हालत है। आप सोचिए सब्जी मंडी का क्या हालत है। 2 महीने पहले हमने आपको दिखाया था, बार बार यहाँ के लोगों का अनुरोध इनकार किया जा रहा है, अनसुना किया जा रहा है। बारिश के वजह से तो और लगातार ही इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि हमारे स्वास्थ्य विभाग, जो कि हमारे स्वास्थ्य में हानिकारक हो सकती है। आप सोचिए कि जो बहुत ही नेसेसिटी है उनको बार बार मांग क्यों करना पड़ रहा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र शाह। आप यहीं पे काम करते हैं? हाँ, काम करते। आप बताइए यहाँ की परेशानियों के बारे में। परेशानी है जो कचरा पचरा अभी जभी होता है तो दिक्कत लग रहा है। साफ नहीं करते? कहाँ सफाई होता है, देख रहे हैं आप लोग। अच्छा बताइए कि यहाँ पे कब से साफ नहीं किया जा रहा है? करता है तो डेली। हाँ। बाकी फिर भी वही कचरा रहता है। डेली करते हैं लेकिन फिर भी कचरा ही होता है। हाँ, आपका नाम? हमारा नाम है राम प्रकाश पासवान। कितना साल से आप काम कर रहे हैं? हम तो कर रहे हैं यहाँ पर जब से मंडी आया ना। हाँ। उसी टाइम से। अच्छा, तब का हालत और अब का हालत में क्या अंतर है? अंतर तो पहले कुछ था, अभी के कुछ है। पहले कैसा था? पहले के कुछ और सफाई था, अभी के कुछ ऐसी सफाई है। क्यों? जे मालिक लोग निर्भर भाई है, कचरा में कौन रहता है? वो लेबर रहता है। कचरा में लेबर रहता है, समझ गए? मालिक तो दिन भर कम बेचाकी नहीं किया, घर गया, कचरा में कौन है? लेबर है, मजदूर एक है। तो मजदूर के ऊपर में इस पूरा भारत चल रहा है। मजदूर के ऊपर नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। बिल्डिंग बनाइएगा तो मजदूर बनाएगा, मालिक नोट देगा मगर मजदूर बनाएगा। घर बनाएगा तो कौन चीज देगा? मजदूर देगा। सरकार जो है मजदूर को पैसा मजदूर को देता है, वो अपना पैसा नहीं देता है। आज तक ले डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, हर चीज के दाम बढ़ा है। किसके ऊपर में पड़ा है? एक मजदूर के ऊपर में पड़ा है। जैसे हम लोग मजदूरी करते हैं
तसला उठाते हैं, उठा करके कितना कमाते हैं 200-300 हैं, फिर भी उसको इंटरेस्ट भरना पड़ता है। अभी जो गिर गए हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोग ने कभी इसके बारे में कंप्लेन नहीं किया? कैसे करेंगे, मालिक लोग सुनबे नहीं करेगा, चेयरमैन यहाँ का सुनबे नहीं करेगा, यहाँ का थाना सुनबे नहीं करेगा, तो मजदूर का कौन पूछता है, मजदूर का कौन पूछता है, ये बात बताइए। तो अगर ऐसे ही हालत है तो फिर आगे आप लोग क्या क्या कदम उठाएंगे? ना? ऐसा ही हालत रहेगा? सुनिए, जैसा जनता करेगा वैसे तो चलेंगे। हम लोग क्या है, मजदूर है, तो मजदूर किसके ऊपर में है, सरकार के ऊपर में, और सरकार किसके ऊपर में है, मजदूर के ऊपर में। इसीलिए बोले हैं जे हमारे पास में उतना न ताकत है न कुछ है, तो क्या करेंगे। अभी भी कुछ करेंगे तो आप क्या कहिएगा, अरे चुप सिलेंडर रो, तो हम लोग तो मजदूर है तो सिलेंडर हो जाएंगे। तो जैसे कि आपने सुना कि पूरा भारत सच में मजदूर की वजह से ही चलता है, मजदूर अगर काम नहीं करेंगे तो फिर भारत आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन मजदूरों की कौन सुनेगा, मजदूरों की कौन सुनेगा। आप ये हालत देखिए, ये है मच्छी मंडी का, जहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ, और ऊपर से ये थर्मोकोल है जो कि डिके भी नहीं होता है, इसके वजह से बहुत प्रदूषण भी होता है, लेकिन साफ सफाई यहाँ पे नहीं हो रहा है। लगातार ही हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं, लगातार ही हम आपको यहाँ से अपडेट दे रहे थे। 2 महीने पहले जैसे हालत था वही सेम हालत अभी भी है, कुछ नहीं बदला है। आप सामने की तरफ देखिए, ये नाला है, लेकिन नाला में पूरा थर्मोकोल से भरा हुआ है। आप सोचिए, अगर इसको साफ भी करेंगे तो किसी और जगह यहाँ से लेके जाएंगे तो फिर क्या फायदा, ये तो वायु दूषण करेगा, जलाने से भी वायु दूषण करेगा, अगर नहीं जलाएंगे तो फिर ये हालत देखिए ऐसा ही होने वाला है। समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन समाधान कहाँ है, समाधान कौन करेगा? सरकार तो कहती रहती है कि हम लोगों के लिए है, लेकिन जब लोग यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं, अपने परेशानियों को बता रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर लोग जब परेशानियों को बताते हैं, मांग इतना क्यों करना पड़ता है, एक बार में उनका समाधान क्यों नहीं करना पड़ता है, जबकि ये बेसिक सा चीज है, बहुत ही बेसिक सा चीज है। आप सुनिए, सेवक कोरोनेशन ब्रिज का इतना दिन से वो लोग मांग कर रहे हैं, और अभी जो हालत आप देख रहे हैं, कभी भी वो कोरोनेशन ब्रिज कभी भी टूट सकता है, कितनों की जान जा सकती है। अभी जो बालासन नदी का जो हालत हुआ है, अभी जब अंत में आके टूट वूट ना जाए, तब तक प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेती है। आखिर क्यों अंत तक उन्हें इंतजार करना पड़ता है, क्या कुछ हो तभी वो लोग एक्शन लेंगे, पहले प्रिकॉशंस नहीं ले सकते हैं? ये सवाल सरकार से भी है और आप सभी जनता से भी है। आखिर जब तक यहाँ पे लोग मर नहीं जाते, लोगों का कोई नुकसान नहीं हो जाता, तब तक क्या एक्शंस नहीं लिया जाएंगे? आप बताइए, हम लोग रेगुलेटेड मार्केट में 2 महीने पहले भी आए थे, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी है, कुछ बदलाव नहीं है। यानी कि क्या ऐसे ही चलता रहेगा? यहाँ से जो खाना जाता है, जो साग सब्जी मच्छी मांस जाता है, वो हम सब इनटेक करते हैं, हम सब लेते हैं, यानी कि हम लोग का स्वास्थ्य में हानि हो सकता है। ऐसे अपडेट के साथ आप हमसे बने रहिए और देखते रहिए GVNN सिलीगुड़ी। धन्यवाद।